अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांग परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, आप सभी को पता है कि इस महीने के आखिरी में हमारी हिंदी की परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में हमारे इकाई 1 से 7 आने वाले हैं। तो चलिए आज से हम इस परीक्षा की पुनरावर्तन की शुरुआत करते हैं, यानी हम परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन करेंगे, जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़नी का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कापी में दो दो बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? दो दो बार लिखना है और समझना भी है। और हाँ, सबसे महत्व सिर्फ लिखना ही नहीं है, याद भी करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि अब हमारी परीक्षा यानी इम्तिहान आने वाले है, तो परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन होने की वजह से आपको इसे अच्छे से सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखना भी है और याद भी करना है। तो चलिए आज से हम पुनरावर्तन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। ए आदिपुर, बी गोपालाचारी, सी भचाव और डी मुंद्रा। तो इसका सही उत्तर क्या है? भचाव। तो इसका जो क्रम अक्षर है सी, वो हम यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे। नंबर 2, कंडला क्या है? ए हवाई अड्डा, बी औद्योगिक नगर, सी पर्यटन केंद्र और डी बंदरगाह। तो कंडला क्या है? बंदरगाह। तो इसका क्रम अक्षर डी हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 3, कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है? ए मांडवी में, बी लखपत में, सी गांधीधाम में और डी भद्रेश्वर में। तो कच्छ के 72 जिनालय मांडवी में है, तो हम क्या लिखेंगे? ए, यहाँ पे हमने क्या लिखा? ए। नंबर 4, सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक खाली जगह है। पुस्तक, संस्था, नगरी और कृति। तो इसका सही उत्तर है संस्था। तो संस्था का क्रम अक्षर कौन सा है? बी। तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिखेंगे? बी। आगे देखिए, नंबर 5, मजदूर कौन है? आदमी, रोशनी, बगिया या दीपक। तो मजबूर दीपक है, तो इसका क्रम अक्षर डी हम यहाँ पर लिखेंगे। कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? भगवान को, इंसान को, धरती को या सागर को। तो किसे बांटने के लिए न बांटने के लिए कहता है? इंसान को। तो इसका क्रम अक्षर बी हम यहाँ लिखेंगे। नंबर 3, किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है? प्यार, बहार, पानी या मित्र। तो किसके बिना? प्यार। तो इसका क्रम अक्षर ए हम यहाँ लिखेंगे। आगे, प्यासी कौन है? फुलवारी, धरती, चट्टान या मंजिल। तो कौन प्यासी है? चट्टान। तो हम उसका क्रम अक्षर सी यहाँ पर लिखेंगे। आगे, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? धर्म, भक्ति, जीवन या ईश्वर। तो शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? ईश्वर। तो इसका क्रम अक्षर डी हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति खाली जगह की है। बाइबिल, गीता, कुरान या रामायण। किसकी है? बाइबिल की। तो उसका क्रम अक्षर ए हम यहाँ लिखेंगे। नंबर 3, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? नागपुर विश्वविद्यालय में, काशी विद्यापीठ में, मुंबई विश्वविद्यालय में या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। काशी विद्यापीठ में। तो उसका क्रम अक्षर बी हम यहाँ लिखेंगे। भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, श्री शंकर दयाल शर्मा, सरदार जेल सिंह या डॉक्टर राधाकृष्णन। तो 9 कौन थे? श्री शंकर दयाल शर्मा। तो उसका विकल्प बी हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? भगवान, गुरु, साधु या मालिक। किसके लिए किया है? भगवान। तो उसका क्रम अक्षर ए हम यहाँ लिखेंगे।
कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं। ए दोस्ती, बी मोहब्बत, सी खैर और डी इज्जत। कबीर सबकी खैर चाहते हैं, तो इसका क्रम अक्सर सी हम यहाँ लिखेंगे। रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? जीवित, नासमझ, पागल या मरा हुआ? इसका उत्तर आएगा मरा हुआ। तो इसका क्रम अक्षर डी हम यहाँ लिखेंगे। नंबर आगे, कंचन का अर्थ है हीरा, सोना, चांदी या मोती? इसका सही क्रम अक्षर क्या है? बी सोना। तो हम यहाँ लिखेंगे बी। आगे, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान, चेतक, खड़क्षी या शक्ति? क्या था? सुल्तान। तो उसका क्रम अक्षर ए हम यहाँ लिखेंगे। नंबर दो, बाबा भारती कहाँ रहते थे? घर में, झोपड़ी में, धर्मशाला में या मंदिर में? कहाँ रहते थे? मंदिर में। तो इसका क्रम अक्षर डी हम यहाँ लिखेंगे। इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम था खंगर सिंह, गब्बर सिंह, खड़क सिंह या सुल्तान सिंह? क्या था? खड़क सिंह। तो उसका क्रम अक्षर सी हम यहाँ लिखेंगे। घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय पर क्रोध के अंगारे सुलग उठे, आश्चर्य ने काबू कर लिया, न जाने क्या क्या होने लगा, सांप लौट गया। क्या हो गया? सांप लौट गया। तो उसका क्रम अक्षर डी हम यहाँ लिखेंगे। आगे, जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे खाली जगह कहते हैं। अस्तबल, अस्तिबल, स्वस्थबल या स्वस्थम, स्वस्थवम? तो क्या कहते हैं? अस्तबल। तो उसका क्रम अक्षर ए अस्तबल हम यहाँ लिखेंगे। इसके आगे, कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि उसकी आवाज़ में करुणा थी, वह बुरी तरह कराह रहा था, उसके पाँव पर पट्टियाँ बंधी थी, वह बहुत भूखा लग रहा था। इसका सही उत्तर क्या है? उसकी आवाज़ में करुणा थी। तो उसका क्रम अक्षर ए हम यहाँ लिखेंगे। कंगले ने अपने को खाली जगह का सौतेला भाई बताया। भवानी शंकर वैद, उमा दत्त वैद, चंडिका दत्त वैद या दुर्गा दत्त वैद? तो इसका सही उत्तर है डी, दुर्गा दत्त वेद। तो हम यहाँ लिखेंगे डी। बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर विश्वास न करें, विश्वास करना न छोड़ दे, तरस खाएं, कभी दया न करें। तो वह क्या चाहते थे? कि विश्वास करना न छोड़ दे। तो इसका क्रम अक्षर बी हम लिखेंगे। बाबा भारती ने अपनी निज की हानि को खाली जगह की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ए देवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व या बंधुत्व? तो क्या आएगा? मनुष्यत्व। तो हम यहाँ लिखेंगे बी मनुष्यत्व। बाबा भारती सुल्तान से लिपट कर ऐसे रोने लगे जैसे पिता बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, भाई बिछड़े हुए भाई से मिल रहा हो, माँ बिछड़े हुए बेटे से मिल रही हो, माँ बिछड़ी हुई बेटी से मिल रही हो। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ए पिता बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। तो हम उसका क्रम अक्षर ए यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमारे विकल्प पूर्ण होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह सभी विकल्प आपको दो दो बार हिंदी की कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।